हेलो गाइस, आरती की मल्टी टैलेंट दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन ग्रेवी की रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी 5 से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन ग्रेवी बनाने के लिए हमें सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करना है। ये देखिए, जो मैंने गर्म करने के लिए गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। अब हम उस पर सरसों का तेल यूज़ करेंगे। ये देखिए, हमने सरसों का तेल डाल दिया है और अब इसे गर्म होने देते हैं अच्छी तरीके से। अब हम इसमें फ़ोरन डालेंगे, जैसे जीरा थोड़ा सा लाल हो जाने दीजिए। अब हम दो तेज पत्ते डालते हैं। उसके बाद हम इसमें दो तीन हरी मिर्च काट करके डाल देते हैं। अगर आपको तीखा पसंद हो तो ही डालें। हम इसमें लहसुन की 3-4 कलियाँ यूज़ करेंगे। अब हम 3 से 4 बड़े प्याज काट लेंगे और सबको हमें अच्छी तरीके से 2 से 4 मिनट तक भून लेना है। ज़्यादा पकाना नहीं है। हम झटपट बनने वाला चिकन रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा लाल हो गया। अब हम इसमें 500 ग्राम के लगभग चिकन डालते हैं। तो अब हम इसे थोड़ा चला लेंगे, थोड़ा सा भून लेना है इसे 2 से 3 मिनट तक। ये देखिए, ज़्यादा इसे भी नहीं पकाना है। ये देखिए, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा पानी इसमें लेकर के अब हम मसाला अच्छी तरीके से ऐड करेंगे। सबको अच्छी तरीके से भूनना है। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सबको मीडियम टू लो फ्लेम में आपको फ्राई करना है। ये देखिए, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, हमारा चिकन थोड़ा भून चुका है, हमें इसे और पकाने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, 5 से 10 मिनट हो गए हैं। ये कितना अच्छा कलर दे रहा है और साथ ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये चिकन देखिए हमारा बिल्कुल पक चुका है, ये इसमें से क्रैक हो गया है। ये देखिए, चिकन हम इसी तरह बिल्कुल बिना पानी डाले आप इसी तरह पकाएं, आपको पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए, हमारा चिकन लगभग तैयार हो चुका है। ये कितना अच्छा दिख रहा है। फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई ज़रूर करें, ये खाने में बहुत यमी लगेगा और इसे बनाना बहुत इजी है। अब देखिए, मुझे ग्रेवी चाहिए इसलिए मैं इसमें 1/2 कप पानी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप उसी तरह से गैस बंद कर सकते हैं, वो भी खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और चिकन हमारा उस समय भी पक चुका था। ये देखिए, अब हम इसे ढक के 5 से 10 मिनट लो फ्लेम में पका लेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए। और ये देखिए, हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो आप इसमें धनिया पत्ता और गरम मसाला से थोड़ा डाल दे, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए, हमारा चिकन करी बिल्कुल तैयार है। आप इसे चावल या रोटी के साथ सर्व करें। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो अगर मेरी आप वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।